गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर जीके क्लास. सो टुडे अगेन वी विल डू जीके एक्सरसाइज. सो ओपन अ जीके बुक एंड दिस वन इज़ पेज नंबर 16, चैप्टर 10, अप इन द स्काई. मतलब स्काई में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद डेट. सो राइट डेट हेयर. सो टुडेज डेट इज़ 2/9/2020. राइट क्लास वर्क हेयर. ओके, द स्काई लुक्स ब्लू ड्यूरिंग द डे. मतलब दिन में स्काई कैसा दिखता है? ब्लू. वी सी द सन, द मून एंड स्टार्स इन द स्काई. और स्काई मतलब ऊपर आसमान में क्या चीज़ें दिखती हैं? सन, मून, स्टार्स ना, दे आर कॉल हेवनली बॉडीज. और ये हेवनली बॉडीज होते हैं. राइट द नेम्स ऑफ दीज थिंग डैट यू सी इन द स्काई. मतलब आपको इनके नाम लिखने हैं. ये कुछ चीज़ें, ये कुछ हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि स्काई में दिखते हैं, उनके आपको नेम लिखने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ सन. सो राइट हेयर, SUN, सन. नाउ सेकेंड वन इज़ दिस. व्हाट इज़ दिस? मून. सो राइट हेयर, MOON, मून. What is this? This is a stars. So write here STARS, stars. Now number 4, what is this? This is a cloud. So write here CLOUDS, clouds. Number 5, what is this? This is a rainbow. Rainbow hamesha dekha hoga na upar color. हमेशा बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो उसमें हल्का सा ऐसे रेनबो बनता है आसमान में. ठीक, सो दिस इज़ अ रेनबो. नाउ नंबर 6, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ रॉकेट. ये भी आपको ऊपर ही दिखेगा, ज़्यादातर हमेशा ऊपर नहीं रहता, नीचे से ही ऊपर जाता है, बट ये ऊपर ही जाएगा, तो दैट मीन्स ये हेवनली बॉडीज है. ओके, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है? मून. ओके, सो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. और अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है. सम स्टार्स आर बिगर दैन द सन. स्टार्स देखा है, यहाँ से बहुत छोटे दिखते हैं, बट वो एक्चुअली में सन से भी ज़्यादा बड़े होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दिस पेज नंबर 17, सेव वाटर. सो हेयर वी लर्न हाउ वी सेव वाटर. ओके, सो फ्रॉगी इज लुकिंग एट दिस पिक्चर. सो बिफोर वी स्टार्ट, राइट अगेन डेट हेयर 2/9/2020 एंड अगेन राइट क्लास वर्क हेयर. ओके, फ्रॉगी इज लुकिंग एट दिस पिक्चर. फ्रॉगी मतलब ये फ्रॉगी है, ये क्या कर रहा है? ये सारे पिक्चर्स को देख रहा है. ही डज नॉट नो वेदर वाटर इज़ बीन सेव्ड और गेटिंग वेस्टेड. उसे ये नहीं पता कि ये लोग वाटर को सेव कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं. हेल्प हिम बाय पुटिंग अ टिक इफ़ वाटर इज़ सेव्ड एंड अ क्रॉस इफ इट इज़ वेस्टेड. सो आपको क्या करना है कि जो पिक्चर में आपको लगता है कि ये वाटर वेस्ट हो रहा है, वाटर वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है. और जो आपको लग रहा है कि इसमें वाटर का सही यूज़ हो रहा है, सो वहाँ पे आपको टिक लगाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1. सो सी व्हाट दिस बॉय आर डूइंग. दिस बॉय इज़ डूइंग अ ब्रश ना, अपने ब्रश कर रहा है और साथ में यहाँ पे नल को चालू कर दिया है, जिससे कि बहुत सारा पानी क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है. तो दिस वन इज़ रॉन्ग, मेक अ क्रॉस हेयर. ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ हेयर इज़ वन गर्ल हु प्लांटिंग द वाटरिंग द प्लांट. सो दिस वन इज़ राइट, ये इसमें पानी का यूज़ हो रहा है. पानी किसको दे रहे हैं? प्लांट को दे रहे हैं, तो प्लांट उस पानी को यूज़ कर रहा है. सो यहाँ पे यूज़ हो रहा है पानी का, सो मेक अ
टिक हियर. ओके, नाउ नंबर थर्ड इज दिस, यहाँ पर बहुत सारे पानी वेस्ट हो रहा है ना, यहाँ भी देखो वेस्ट भी हो रहा है. सो दिस वन इज क्रॉस, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है. यहाँ पे अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है. यहाँ पे एक लड़का है जो कि नहाने जा रहा है, तो यहाँ पे पानी का वेस्ट भी नहीं हो रहा है, अपनी बॉडी भी क्लीन हो रही है. सो दिस वन इज टिक. ओके, सो नेक्स्ट इज कलर द थॉट्स. यहाँ पे कुछ थॉट लिखे हैं, वाटर इज लाइफ. सो आपको इसे कलर करें. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ब्लू कर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कलर चूज कर सकते हैं. ओके, सो हम यहाँ पे इसे ब्लू कर देते हैं. आप अलग अलग कलर्स भी यूज कर सकते हैं. ओके, इसे अच्छे से कलर करके हो गया, W हो गया. नाउ वी, अब हम इसमें A को कलर करेंगे विद ग्रीन. आप अपने अकॉर्डिंग अपना कलर यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज T. आई यूज ऑरेंज कलर. आप भी अपने अकॉर्डिंग अपना कलर यूज़ कर सकते हैं. आप चाहें तो एक ही कलर से सारा कर सकते हैं या फिर अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हैं. नाउ नंबर्स ई, ई को हम इसे ई से कर देते हैं येलो. ओके, नाउ आई यूज नेक्स्ट कलर इज रेड. तो आपको इसी तरह अपना ये कंप्लीट करना है. ओके, यहाँ पे मैंने वाटर कलर किया है, आप इसको इस आगे का भी इसे कलर कर सकते. ओके, थैंक यू क्लास.